राजघाट स्थित राप्ती नदी के तट पर मां राप्ती की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, व्यापारी नेता सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना, पार्षद संजय श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक सोमेश्वर पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार के तर्ज पर 2015 से तत्कालीन सांसद और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर आरती का शुभारंभ हुआ। उसी क्रम को जारी रखते हुए मंगलवार को मां राप्ती की आरती की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक सोमेश्वर पांडे और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, मनसो जात चक्षो सूर्यो जजायत श्रोतान लोकान वकल्पयन् ओम जय गंगे माता मैया जय सुरसरी माता भवबारी देवो ध्यारिणी भवबारी देवो ध्यारिणी अतिशय श्रिय नया ओम जय गंगे माता ब्रह्मा भगीरथ सोच पूर्ण गारा हो मैया सोच पूर्ण गारा सगर पुत्र गणतार सो दूर देश में स्थिति दो प्रदेश में स्थिति की तुरत सुख पासो अतिशय श्रीयन या ओम जय गंगे माता उच्चारत माता गुरी गंगा महारानी की जय। मेरा नाम सोमेश्वर पांडे। 10 नवंबर 2015 से हम लोग जो है छोटी दीपावली को शुरू किए थे, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी थे। ये प्रेरणा हमारी हरिद्वार के गंगा की आरती के इसकी वजह से आई और हमने प्रण लिया कि गोरखपुर में भी हरिद्वार की गंगा की आरती तर्ज पर हम राप्ती की आरती कराएंगे। और हम लोगों का बहुत बड़ा उद्देश्य ये है, जो भी अति गरीब आदमी हैं, जो अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, हम उन सबका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अभी तक हम लोग 5 जो है अंतिम संस्कार जो एकदम निरीह और गरीब लोग थे उनका कराए हैं। आज 3रा साल है माँ गंगा की आरती का, माँ राप्ती की आरती हम लोग 3 सालों से करते आ रहे हैं। इसका शुभारंभ आदरणीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हर महीने की पूर्णिमा को आरती करते हैं और साथ साथ आज छोटी दिवाली को एक विस्तृत आयोजन किया गया है। ये इसलिए किया जाता है कि हम अपनी माँ राप्ती जो गोरखपुर की लाइफ लाइन है इसको बचा सकें, इसे प्रदूषण से मुक्त रख सकें, ये जागरूकता समाज में की बीच जाए। ये माँ राप्ती गोरखपुर के लिए वरदान है, पहले इसी से सब ट्रेड होते थे। वर्तमान सरकार और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसमें जहाज चलाने की बात कही है और इसे परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये और गहरी होगी, स्वच्छ होगी और गोरखपुर के लिए वरदान साबित होगी। इसी के तहत गोरखपुरवासी यहाँ आते हैं और माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, इसे माता स्वरूपा समझते हैं। आज के दिन मैं गोरखपुरवासियों को, मैं नगर निगम के सभी कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ।